एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, और यह मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा अथवा बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, या इस तरीके के जो भी प्रश्न आपके पेपर में आने हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, और इस मॉडल पेपर के जो भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो इस मॉडल पेपर के प्रश्नों के उत्तर जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पेपर का जो पूर्णांक होगा 70 अंकों का होगा, और आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं खंड का के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। और पहला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? पहला विकल्प है रूसो, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू, तीसरा विकल्प है नेकर और चौथा विकल्प है दिदरो। एक नंबर का प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, और इसका उत्तर आपको प्री बोर्ड अथवा बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको बढ़िया से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर एक। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, का वाला विकल्प सही है, इसलिए का नंबर यहाँ पर डालने के बाद उस विकल्प को लिख लेना है। सोशल उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो था। दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? पहला विकल्प है 1918 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1919 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1920 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1921 ईस्वी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, और इस तरीके का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए सेम यही प्रश्न, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, प्रश्न उत्तर नंबर दो इस तरीके से डालना है, दूसरा विकल्प सही है खा वाला, और इस तरीके से आपको खा नंबर डालने के बाद दूसरा विकल्प इस तरीके से लिख लेना है 1919 ईस्वी। प्रश्न में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1919 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहां पर तीसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पहला विकल्प है 1995 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1997 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1999 ईस्वी और चौथा विकल्प है सन 2000 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि WTO की स्थापना कब की गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर तीन, और प्रश्नोत्तर नंबर तीन का कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है का वाला, 1995 ईस्वी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना या WTO की स्थापना कब की गई थी, 1995 ईस्वी में, कब, सन 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, पहला विकल्प है सन 1980 ईस्वी में, दूसरा है 1990 ईस्वी में, तीसरा है 1992 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 2004 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर चार, और सही विकल्प है तीसरा, तो इस तरीके से आपको गा नंबर डालने के बाद तीसरा विकल्प लिख देना है 1992 ईस्वी। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सन 1992 ईस्वी में, कब, सन 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कृषि एवं सहायक क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्रक और चौथा विकल्प है औद्योगिक क्षेत्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि एवं सहायक क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 5। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 5 और क्या हो जाएगा उत्तर, पहला ही विकल्प सही है इसलिए का नंबर डालने के बाद आपको लिख देना है प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है क्योंकि कृषि एवं सहायक क्षेत्रक को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, पहला विकल्प है व्यय, दूसरा विकल्प है विदेशी निवेश, तीसरा विकल्प है उत्पादन और चौथा विकल्प है वितरण। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 6 इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 6 और इनमें से जो है दिए गए विकल्पों में से दूसरा विकल्प सही है। तो 2 नंबर यानी खा नंबर डालकर विदेशी निवेश जो कि इस प्रकार से है विकल्प, यहां आप देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं, दूसरा विकल्प सही है। और अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 7 हेडिंग डालनी है और उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान उत्तर है इस प्रश्न का, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच कब, 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और समझौते की 2 शर्तें इस प्रकार हैं, पहली शर्त क्या है, गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति प्रकट की। गांधी जी ने जो लंदन में होने वाला गोलमेज सम्मेलन था दूसरा, और उसमें भाग लेने की क्या प्रकट की, सहमत प्रकट की, यानी अपनी इच्छा प्रकट की थी, यानी सहमत हो गए थे। और इस समझौते की 2री शर्त है, इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। इसके बदले जो है सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर क्या हो गई, सहमत हो गई। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 8 नंबर का, यह भी अति लघुत्तरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। और यह जो टॉपिक है सत्ता की साझेदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है, यहां आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 8, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और उत्तर क्या हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के जो अंग हैं उनके बीच शक्ति का विभाजन, शक्तियों का विभाजन अथवा विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन, यानी सरकार जो अपनी शक्तियों का विभाजन करती है अपने जो है विभिन्न अंगों के बीच, वही क्या है, सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी है। अगला प्रश्न है यहां पर, रंग भेद से क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, प्रश्नोत्तर नंबर 9, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 9 और उत्तर क्या हो जाएगा, रंग के आधार पर भेदभाव करना।
अर्थात जहां श्वेत और अश्वेत लोग रहते थे वहां अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहां श्वेत यानी गोरे और अश्वेत यानी काले लोग रहते थे, जहां पर गोरे और काले लोग रहते थे वहां अश्वेतों के साथ, कहने का अर्थ है जो रंग में काले थे अश्वेत थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई, कहां दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया, और जो काले रंग के लोग थे उनको सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। प्रश्न संख्या 10 जो कि लघु त्रिप्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा, और लघु त्रिप्रश्न प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 3 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक जो प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का होगा। 10 नंबर का प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और अथवा में पूछा गया है कार्न ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। तो यदि आप प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देंगे तो भी आपको 3 नंबर मिलेंगे, अथवा में जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर देंगे तो भी आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस प्रश्न का यानी 10 का जो अथवा है प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 10 अथवा, और यहां पर भी आपको हेडिंग डाल देना है 10 अथवा, और उत्तर क्या हो जाएगा, कार्न ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। कार्न ला का जो नियम था वह निरस्त जब हो गया तो ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। अब कम कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। आयातित जो खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमत ब्रिटेन में बनने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। और तीसरा बिंदु है खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया। खाद्य पदार्थों की जो कीमत थी उसमें गिरावट आ गई जिससे ब्रिटेन में उनका उपयोग ज्यादा होने लगा। औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हुई, और औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के जो लोग थे उनकी आय में भी वृद्धि हुई जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा। और जिस कारण से खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा ब्रिटेन में, प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह संघर्ष किया, और अथवा में प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यदि आप प्रश्न संख्या 11 का उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अथवा में जो पूछा गया है प्रश्न इसका उत्तर आप देंगे तो भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 11 का अथवा, और हेडिंग क्या रहेगी, लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा। लोकतंत्र का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। उदाहरण के लिए हम लोगों के यहां यानी भारतवर्ष में लोकतंत्र का शासन है। लोकतंत्र शब्द जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों डीमोस
तथा क्रेटिया से हुई है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। और इस डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, कौन कौन से? डीमोस तथा क्रेटिया से हुई है। और डीमोस का अर्थ क्या है? जनता। डीमोस का क्या अर्थ है? जनता। तथा क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। डीमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। प्रसिद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने लोकतंत्र की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। यहां आप देख सकते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, क्योंकि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है और जनता के लिए ही शासन होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है, याद करने में भी आसानी होगी। तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और यह डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों डीमोस तथा क्रेटिया से हुई है। डीमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। यानी इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, प्रसिद्ध अमेरिकन अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में भी आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और अगला जो प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत 12वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के चार कार्य लिखिए और अथवा महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य दो कारण बताइए, इसके दो प्रभाव भी लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दें अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपकी विधिवत तैयारी करवाता रहूंगा, सोशल साइंस की और हिंदी विषय की। आपको ड्राइंग विषय से संबंधित वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपनी बेहतर तैयारी करते रहें प्री बोर्ड परीक्षा की, यूपी बोर्ड परीक्षा की, क्योंकि अब आपको अच्छे अंक लाने हैं। इस बार आपको बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।